रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित ये बताइए कि अब धांधली का आरोप लग रहा है, कहा यह जा रहा है कि भाई गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की हालत पतली है, और जॉर्जिया की एक कॉपी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाई, अदालत में जो लॉ सूट फाइल किया गया है उसमें आधार क्या बनाया गया है जो धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं उनके? तभी उसमें मेल इन बैलेट को लेकर पूरा आधार बनाया गया, उसमें यह लिखा गया है कि जो रॉ लॉ है, जो रूल्स है वो फॉलो नहीं किए गए हैं, 7 बजे के बाद जो बैलेट्स आए हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया, 7 बजे नवंबर 3 के बाद बैलेट्स। और मैं ये इसमें से पढ़ के दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये गुहार लगा रहे हैं जॉर्जिया में सुप्रीम कोर्ट से कि वो जानना चाहते हैं कि कौन से बैलेट 7 बजे के बाद आए, वो किसके नाम पे आए, कितने बजे आए और कहां स्टोर किए गए। ये डिटेल्स उनकी कैंपेन मांग रही है जॉर्जिया से। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो कह रहे हैं कि जो एब्सेंटी या जो मेल इन बैलेट्स है उनको नाम चाहिए लोगों का, कितने बजे आए, कहां पे वो बैलेट स्टोर किए गए थे और कितने ऐसे बैलेट थे, इसकी मांग कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया से। और इसी तरह के और 2 लॉ सूट पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में भी, यहां पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने फाइल किए हैं। इसमें एक और मैं आपको बड़ी बात बता दूं, इसमें पूरे के पूरे ये 12 पेज के डॉक्यूमेंट पे जो लॉ सूट है उसमें हर तर्क दिया गया है मेल इन बैलेट को इनवैलिडेट करने का। अच्छा। लॉ यहां पे फाइल नहीं किया गया, इसे गलत जगह पे स्टोर किया गया, और ऐसा क्या है, क्या प्रमाण है ऐसा जॉर्जिया के पास बताने के लिए कि मेल इन बैलेट जो है उनके साथ किसी तरह की धांधली हुई या नहीं हुई। ठीक है, ठीक है रोहित, बने रहे आप हमारे साथ। देव कार्लेकर साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं रिपब्लिकन पार्टी के। देव कार्लेकर साहब, क्या आप लोगों को लग रहा है कि इन आरोपों के साथ, इन एलिगेशंस के साथ ज्यादा वक्त तक आप लोग टिक पाएंगे? क्या इसमें इतना दम समीर है? समीर जी इसमें दम है और बिल्कुल दम है। अगर आप देखें 2000 साल के जो चुनाव थे बिटवीन बुश एंड गोर तब के इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट थे और बुश तब टेक्सास के गवर्नर थे, इट वॉज अगेन अ वेरी सिमिलर क्लोज टाई फिनिश। और तब अगर आप देखें जो लिबरल लेफ्टिस्ट चैनल्स थे बड़ी होड़ में थे कि अल गोर को विनर करके उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिया। पूरी न्यूज, पूरी बयानबाजी, एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी क्लोजली कंटेस्टेड, इट ऑल केम डाउन टू फ्लोरिडा। तब फ्लोरिडा स्टेट बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट था। अगर आप देखिएगा CNN, ABC जो सारे न्यूज है उन्होंने तब नहीं, लेकिन 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 देव कार्लेकर साहब इसे क्लोजली कंटेस्टेड माना जाए क्या, क्योंकि 214 और 264, एक तरफ 214 और दूसरी तरफ 264, ये क्लोजली कंटेस्टेड है भी या नहीं? ये क्लोजली कंटेस्टेड है बिकॉज अगर आप देखिएगा बहुत सारे जगह पे जैसे निवाड़ा है, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पे इलेक्शन 100% it is never over until it is over. तो 90%, 85%, 82%, 88% जो प्रेसिडेंट पे के मतदान के ऊपर से आप अनुमान लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल कहा अचानक से अगर आप देखें 1 लाख 2 लाख का एक इकट्ठा मत अगर बाइडन को जाता है तो नीडलेस टू से बाइडन आगे जाएगा, अगर ये ट्रंप को आता है तो ट्रंप आगे जाएगा। मैं आपको सिर्फ रिकैप कर रहा हूं आपके श्रोता के लिए बिकॉज मैं यहां पे 21 साल से रह रहा हूं। और लेकिन लेकिन देव कार्लेकर साहब ये बताइए कि जिस अमेरिका को और ज्यादा मजबूत बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जहां 4 साल तक आपकी सत्ता रही, आज वो अमेरिका अचानक इतना कमजोर हो गया कि पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, उस पर सवाल खड़े कर दिए, कह दिया कि चुनाव में इतनी धांधली हो गई कि जीत रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और जिता दिया गया जो बाइडेन को। देखिएगा ना अमेरिका वीक है ना भारत वीक है, इट्स ऑफ्टन द मीडिया जो इस तरफ की हवाबाजी करता है। अगर आप देखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी का जो सेकंड टर्म था तब भी मीडिया ने बड़ी हवा की थी वो जीतेंगे, लेकिन मीडिया के सिर ठीकरा फोड़ना सबसे आसान होता है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।